एमएम आलम रोड पर ही ये वाकया पेश आया है और यहीं पर ही फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काबू पा लिया है, अब यहाँ आके पता चला है कि ये प्लाजा अली इमरान साहब का है, शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं। तो अंदर की अब बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो पता चलेंगी। यहाँ कोई रिकॉर्ड भी था शायद रिकॉर्ड को जो है वो कोई ज़ाया करने की कोशिश की गई है या क्या है, ये मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। दो अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं, उन्होंने जो है वो सेकेंड फ्लोर से छलांग लगाने की कोशिश की और बाकी लोगों को बचा लिया गया। एक की अभी मुझे एसपी साहब ने बताया है कि वॉशरूम से फ़ोन आया है कि एक कुछ जना फर्द जो है वो अंदर है, उसके लिए मैंने अभी एसपी साहब को और 112 के अमले को हदायत किया कि फौरी तौर पे उसको जो है वो रेस्क्यू किया जाए। मैं पर्सनली यहाँ पे आया हूँ और हम यहाँ पे पूरी सुपरविजन कर रहे हैं, आग पे काबू पा चुके हैं और इंशाल्लाह बाकी भी सारी चीज़ों पर हम ओवरकम कर लेंगे। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया अब तक यहाँ? तकरीबन जितने लोग थे सबको रेस्क्यू किया गया है। दो ने जो है ना वहाँ से सेकेंड फ्लोर से जो है वो छलांग लगाई है, उनको फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एक के हवाले से अभी मुझे जो है वो मैनेजमेंट बता रही है, उसके हवाले से लगे हुए हैं। कुछ पता चल सका कि आग लगने की वजह? जी, अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। है ये शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनका अली इमरान साहब का जाना ये प्लाजा है और बाकी चीजें इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेंगे इंशाल्लाह। आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया? हाँ, आग पे काबू है। आपके सामने जो है वो सारा अमला जो है वो 112 फौरी तौर पर आया है और अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक ने जाना चीज़ों को जाना बेहतर कर दिया है ना, और इंसानी जानों का ज़िया भी नहीं हुआ और बाकी भी सारे इंशाल्लाह अमला लगा हुआ है इंशाल्लाह। थैंक यू।